बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका होस्ट, आपका मेज़बान नसीम शहज़ाद NH प्रोडक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ यंग यूथ प्रेसिडेंट UC21 के चौधरी ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है। इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे और इन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है अपने एरिया में, अपनी ज़मीन अपनी जायदाद को वक्फ किया है, लोगों के लिए ट्यूबवेल का बंदोबस्त करवाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में भी थोड़ा सा पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओवैस, क्या हाल है जी? अल्लाह का करम, ठीक है। आपने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ये आपने अपनी प्रॉपर्टी भी दी है, उसके अलावा चेयरमैन साहब आए हैं, अली नवाज साहब आए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जी? ये बड़ा मेहरबानी, शुक्रिया नसीम आपके चैनल का। और ये अली नवाज़ अमान साहब इसलिए आए हैं कि पहले हमारे ट्यूबवेल का अफ्ताह भी किया है और जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनका उन्होंने जायज़ा भी लिया है। तो ये हमारे मसले में, हमारे महल में खासकर गाँव मचत में पानी का बहुत ज़्यादा मसला था, तो आवाम में काफ़ी ज़्यादा मुतालबा था पानी का। हमने चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन साहब से मुतालबा किया कि आवाम का दरीना मसला पानी हाल पानी का है। उन्होंने मैनेजर साहब के से बात की है और अप्रूवल लेके दी है एक ट्यूबवेल के लिए, और उसके लिए जगह का अमर भाई ने कहा जगह आपको अरेंज करनी पड़ेगी। तो उसके पास मेरे पास अल्लाह का शुक्र दिया हुआ जगह है, जगह थी, उसके लिए मैंने ट्यूबवेल के लिए जगह वक्फ कर दी है। तो इससे इंशाल्लाह ज़िया मचत में पानी का मसला हल हो जाएगा। ओवैस भाई, पॉलिटिक्स को आपने क्यों ज्वाइन किया, कोई जॉब नहीं की? आपकी एज भी कितनी है ये भी बताइएगा, पॉलिटिक्स को क्यों ज्वाइन किया ये भी बताइए। अच्छा नसीम भाई, पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे, मेरा शौक़ था आवाम की खिदमत करना, लोगों के साथ चलना, लोगों के मसले मसाइल हल करना। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है, एहसान है मुझ पर कि मुझ पर अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक दी है कि मैं किसी का मसला हल कर सकूं या किसी की कोई परेशानी है वो दूर कर सकूं। बस इसी वजह मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। तो इस टाइम अगर आप कोई काम करते हैं खुशी का, कैसा फील करते हैं जी? मुझे बहुत खुशी महसूस होती है किसी का काम करने के लिए, किसी का काम करके, किसी की हेल्प करके, जो किसी का मसला परेशानी हो, जो टेंशन में हो, उसकी टेंशन दूर करने से मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा, तो UC21 के जितने भी आवाम हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? जी बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं अपनी UC के लिए, बल्कि तमाम जो रहने वाले जानने वाले मेरे तमाम के लिए 24 घंटे ताबेदार हूँ। किसी किस्म का कोई मसला हो, माओ बहनों बेटियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, भाइयों के लिए, इंशाल्लाह आपका भाई बेटा हर जगह आपको आपके साथ मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। ओवैस ने आज हमें ज्वाइन किया, इतनी कम उम्र में अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। और उसके अलावा ये कि जो चेयरमैन साहब हैं उनके लिए भी, और अली नवाज़ अवान साहब ने भी यहाँ पे विज़िट किया, उनके लिए क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं जी। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने MLA साहब का, जो अपने इतने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे मोहल्ले में आए, मसाइल लोगों के सुने और काफ़ी हद तक लोगों के मसाइल हल कर दिए। बाकी इंशाल्लाह रह गए, उन्होंने सब वादा किया है वो भी पूरा कर देंगे। और मैं अपनी UC के लिए लोगों से ये कहूँगा कि बहुत खुश नसीब लोग हैं हम, मलिक अमर जैसे चेयरमैन और सोहेल छत्तीस जैसे वाइस चेयरमैन मिला, जो लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनको हल करते हैं, उनके साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच जी, सबका बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब का स्पेशली थैंक्स कि ये कम से कम 18 साल से ये काम पेंडिंग था, उससे पहले ये काम नहीं हुआ, इस हुकूमत ने आके ये चीज़ भी सामने शो कर दी कि यार ये लोग काम करने वाले हैं। MNA साहब का, चेयरमैन मलिक आमिर साहब का दिल की अता ग्रहियों से शुक्रिया अदा करते हैं। उस एरिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, उन्होंने काफ़ी दूर कर दी। और ओवैस का हम फिर दिल से अगेन शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि अच्छी भली प्रॉपर्टी, अच्छी महंगी प्रॉपर्टी को इन्होंने वक्फ कर दिया अल्लाह की राह के लिए। अल्लाह पाक इनको अजर अता फरमाए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।